अरे सुना है पूजा के घर में आई हुई बहू बहुत ही गोरी है। हाँ बहन, मैंने भी ऐसा ही सुना है कि उसके घर की बहू बहुत गोरी है। देखने चलेंगे भाई कैसी है वो। हाँ हाँ जरूर देखने चलेंगे उसको। हाँ वैसे भी पूजा के घर ही तो जाना है, मैं तो पक्का जाकर रहूंगी उसके घर और देख कर रहूंगी आखिर उसकी गोरी बहू कैसी दिखती है। मुझे भी ले चलना अपने साथ, मैं भी देख ही लूंगी। अरे पहले मैं देख आऊँ फिर तुमको ले चलूंगी, ठीक है? हे भगवान, मेरा बेटा ये कैसी भाव ले आया है, कितनी गोरी है, इससे तो मुझे बहुत ही दुख होता है। गुड मॉर्निंग माँ जी, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए, मेरी ना फेशियल किट खत्म हो चुकी है। आहा, महारानी की शादी को 2 दिन तो हुए नहीं कि इसके नखरे शुरू हो गए अभी से। अरे माँ जी, इसमें बुराई वाली कौन सी बात है, मुझे तैयार होकर रहना पसंद है, इसीलिए मैं अपने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट मेरे पास रखती हूँ। तेरे इन झंझटों की वजह से वैसे ही हमारा कितना पैसा खर्च होगा, उसको क्या बोलते हैं वो ब्यूटी प्रोडक्ट, हाँ उसी की वजह से। और हाँ सुन, नहीं देने वाली मैं तुझे कोई पैसे वैसे, मेकअप करेगी सुंदर देखेगी, तू रह नहीं पाएगी क्या इन सब चीजों के बिना? हाँ माँ जी, मैं नहीं रह पाऊंगी इनके बिना। और हाँ, आप रह रही हो 2022 में और बात कर रही हो 1800 वाली। चुप कर, जाके घर के काम कर। माँ जी मैं घर के काम तो कर लूंगी, पर आप ये मत भूलना कि मुझे मेरी पर्सनैलिटी ज्यादा प्यारी है। जाके मेरे लिए खाने में कुछ अच्छा सा बना। जी माँ जी अभी बनाती हूँ, जल्दी। पता नहीं इसे कौन से भगवान ने इतना गोरा बना दिया, मुझे तो इससे बहुत जलन होती, काश इतनी गोरी मैं होती। अब ये कौन आ गया? अरे लक्ष्मी तुम आओ अंदर आओ। अरे लक्ष्मी बहन कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, और आप कैसी हो? बस मैं भी बढ़िया। और मैंने सुना है अपने मोहल्ले में जो तुम्हारी गोरी बहू आई है ना, उसके बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे हैं, जिसे देखो उसे सब तुम्हारी गोरी बहू की तारीफ कर रहे हैं। आखिर तुम्हारी गोरी फैशनेबल बहू है कहाँ, बताओ तो सारी हमें। बस बस इतनी भी तारीफ मत करो मेरी गोरी बहू की, किचन में काम कर रही हो। अरे पूजा ये क्या, उसकी शादी को 2 दिन नहीं हुए, उसको तूने काम पे लगा दिया आते से ही। और नहीं तो क्या, जितनी बहू सुंदर गोरी हो ना उसको उतना ही दबा के रखना चाहिए, नहीं तो वो सिर पे चढ़ जाती है, हमें पैरों के नीचे दबा के रखना चाहिए उनको। क्या यार पूजा हमेशा फालतू सोचती रहती है, कभी पॉजिटिव तो सोचा कर। अच्छा अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हारी गोरी बहू से तो मिलवाओ जरा। हाँ हाँ जाती हूँ, बुला कर लाती हूँ अभी। ओ महारानी जी, आपसे मिलने की फरमाई से आ रही है, वो पड़ोस वाली लक्ष्मी आंटी आई है मिलने के लिए, जाओ उनसे मिलकर आओ। जी माँ जी अभी जाती हूँ। दूसरों से मिलने का तो इतना शौक है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। और घर पे सब बढ़िया हैं? हाँ बेटा सब अच्छे हैं, जीती रहो और खुश रहो बेटा। जी आंटी जी। सच में बेटा मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तुम तो बहुत ही सुंदर और गोरी हो बेटा। शुक्रिया आंटी जी, आप बहुत अच्छी हो। अच्छा तो बेटा मैं चलती हूँ। अरे आंटी थोड़ी देर और रुकिए ना, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे बेटा फिर कभी आऊंगी ना मैं, जब कर लूंगी तुम्हारी सुंदर और गोरी हाथों का नाश्ता। ठीक है आंटी जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो, जियो सदा। सुन बहू, वो लक्ष्मी आई थी ना, क्या देकर गई तुझे नेक में, बता ना। बातें तो बड़ी बड़ी कर रही थी, तेरी बहू ऐसी तेरी बहू वैसी। माँ जी वो मुझे देकर तो कुछ नहीं गई, पर हाँ उन्होंने मुझे आशीर्वाद जरूर दिया है। बिना पैसे दिए चली गई, अपनी जेब ढीली करके तो गई नहीं। नहीं दे गई तो क्या हुआ माँ जी, पैसे भी हमारे घर में कुछ चीज की कमी तो है नहीं। वो लक्ष्मी बोल रही थी बड़ी चर्चे हो रहा है, बड़ी तारीफ हो रही है मोहल्ले में तुम्हारी, ऐसा भी क्या देख लिया सबने तुझमें? माँ जी ये सब ना मेरी फैशन की वजह से है।
और इसीलिए सब लोग मेरी तारीफ करते हैं। अरे पूजा, तेरी वो आई हुई नई नवेली गोरी बहू नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है? जरा उसको बुला तो सही, मुझे उससे मिलना है, मैं उससे मिलने आई हूँ। अरे उससे बाद में मिल लेना, पहले मुझसे तो बातें कर ले। अरे तुझसे क्या बातें करूँ, तुझसे तो पिछले कई सालों से बातें करती आ रही हूँ। मैं तो तेरी गोरी बहू से मिलने आई हूँ, कहाँ है तेरी फैशनेबल गोरी बहू? बहू, गोरी बहू, बहू। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। और आंटी जी कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा, सच में तुम बहुत ही सुंदर और गोरी हो, बहुत ही ज्यादा। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ, तुम्हें देखने आई थी सो देख लिया। वाकई में पूजा, तुमने बहुत ही गोरी बहू पाई, मुझे भी काश अगले जन्म में ऐसी ही बहू मिले। मैं चलती हूँ बेटा, खुश रहो। बहू जिसे देखो उसे वो तुझसे मिलने आ रहा है, मुझसे तो कोई मिलने ही नहीं आ रहा। ऐसी तुझ में क्या खास बात है जो मुझ में नहीं है? माँ जी, कहने को तो हम दोनों एक जैसे हैं, बस फर्क इतना है कि मैं फैशन करती हूँ और आप फैशन नहीं करती हो। बहू आज तो तूने मेरी आंखें ही खोल दी, आज मुझे पता चल गया कि इंसान की वैल्यू फैशन और पैसे से ही होती है। हाँ माँ जी। बहू मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। और हाँ, तेरे जैसा फैशन करना और क्रीम पाउडर लगाना मुझे कुछ भी नहीं आता बहू। अरे माँ जी, आपकी ये गोरी बहू कब काम में आएगी? मैं सिखाऊंगी ना आपको सब कुछ। सच में बेटा? हाँ माँ जी। तेरे जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई, तुम बहुत अच्छी हो बहू। थैंक यू माँ जी।